Intermittent explosive disorder. When we say intermittent explosive disorder, that means that it is a behavioral disorder in which sudden aggressive or verbal behavior has been exhibited. You can understand in a way that the child is behave aggressively, either verbally or physically, disproportionately in reference to the situation. So basically, jo hota hai, wo jab react karta hai, किसी भी सिचुएशन को एग्रेसिवली तो दैट इज नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ दैट सिचुएशन अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसके सामने कोई चीज़ आ गई है चलते हुए फॉर एग्जाम्पल कोई टेबल आ गया है तो वो एकदम से एग्रेसिवली बिहेव और एक्ट करेगा और उसको एकदम से थ्रो बैक करेगा अगर उसकी मदर ने उसे पढ़ने के लिए कहा है बट ही और शी डज़ नॉट वॉन्ट टू स्टडी uh, तो वो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा आइदर वर्बली शाउट करेगा स्क्रीम करेगा या क्राई करेगा ठीक है यानी जिस तरह हम कहते हैं कि टेम्पर टेंट्रम जो है वो बच्चे थ्रो करते हैं इस तरह का जो बच्चा होता है वो uh, किसी भी सिचुएशन में किसी भी छोटी सी बात से एकदम से एग्रेसिवली रिएक्ट करता है अब ये जो उसका एग्रेसिव बिहेवियर है वो उस सिचुएशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट नहीं होता यानी जब हम ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट नहीं होता तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको आ, किसी बच्चे ने आपके कलर पेंसिल्स यूज़ कर लिए हैं तो माइट भी आपको बुरा लगे ठीक है और आपको इस चीज़ से आप नाराज़ भी हों कि उसने आपके कलर्स आपसे पूछे बगैर इस्तेमाल क्यों की हैं आप उससे बात भी करें बट जिन बच्चों को इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर का प्रॉब्लम होता है दे रिएक्ट डिफरेंटली उनको इतना गुस्सा आता है कि समटाइम दे स्नाश देयर बुक्स दे स्नाश देयर कॉपीज़ और समटाइम वो उनकी जो चीज़ें होती हैं वो ख़राब कर देते हैं ठीक है एंड दे स्टार्टेड टू जेल ऑन दैम दे स्टार्टेड टू स्क्रीम ऑन दैम कि उन्होंने उनकी वो चीज़ क्यों इस्तेमाल की है तो इस किस्म का जो वायलेंट बिहेवियर या जो एग्रेसिव और फिजिकल एग्रेसिव बिहेवियर है उसका जब एक्जिबिशन हो तो उसको हम कहते हैं इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। बट इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सडन होता है इसमें कोई प्री प्लान सिचुएशन नहीं होती इसमें कोई प्रोडोमल फेस नहीं होता ये एकदम से एक सिचुएशन सामने आती है जिसके ऊपर वो बच्चा उस तरीके से रिएक्ट करता है तो इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि अपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम इंटरमीडियंट एक्सप्लोसिव डिसडर से ठीक है इंटरमीडियट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर जो होता है उसके अंदर सिर्फ एंगर का प्रॉब्लम होता है सिर्फ रेज का प्रॉब्लम होता है ठीक है जिसकी वजह से कोई बच्चा जो है वो एग्रेसिवली डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करता है और ऐसे बच्चे जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है या ऑपोजिशनल डेफियन डिसऑर्डर होता है और उनके अंदर एंगर का इशू बहुत ज़्यादा एक्जिबिट हो रहा हो तो उसको हम अलग से आ, जो है एक डायग्नोसिस देते हैं इन एडिशन टू कंडक्ट डिसऑर्डर और इन एडिशन टू ऑपोजिशनल डफी डिसऑर्डर एंड इवन इन एडिशन टू हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ठीक है तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है सेकेंडली जो आपको साइंस मिलेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि इस बच्चे को जो है वो इंटरमीडिएट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर है उसके साइंस जो हैं उनके ऊपर जब हम बात करें तो वो ये ऐसे होंगे कि आपको जब उसकी मदर आएगी या उसकी टीचर्स जो हैं वो मदर को कंप्लेन करेंगी या जब उसकी मदर आपके पास आएगी या स्कूल जब आपके पास बच्चे को रेफ़र करेगा तो वो आपको कहेंगे कि ये बच्चा जो है वो टेंपर टेंट्रम थ्रो करता है ठीक है टेंपर टेंट्रम थ्रो करने का क्या मतलब होता है कि बच्चा वाइनिंग करता है क्राइंग करता है किकिंग करता है हिटिंग करता है चीज़ों को ऑब्जेक्ट्स थ्रोइंग करता है तो इस किस्म का जो बिहेवियर है Uh, वो एग्जिबिट कर रहा होता है ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर अगर उसको ये कहेगी कि आपने ये काम जो है ये गलत किया और आपने इसको सही करना है तो वो माइट भी कॉपी के ऊपर सारे स्क्रबल कर दे वो काम ना करे वो पेपर फाड़ दे वो जो साथ उसके बच्चा बैठा हुआ है वो उसकी कॉपी को डिस्ट्रॉय कर दे तो दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर जो है वो एग्ज़िबिट करता है ठीक है इसी तरह अगर मदर ने उसे कहा है कि वो बैठ के पढ़े स्टडी करे या मदर ने उसे ये कहा है कि वो अपने टॉयज़ जो है वो कमरे से Uh, जो है उनको टाइड uh, अप करे रूम को तो वो उसके ऊपर भी जेलिंग करेगा स्क्रीमिंग करेगा लाइक व्हाट्स द मैटर विद यू व्हाई यू आर डिस्टर्बिंग मी आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग तो इस किस्म की जो कम्पलेन हैं वो जो मदर uh, है वो आपको रिपोर्ट करेंगी बट इम्पॉर्टेंटली uh, uh, आप इसको नॉन कम्प्लाइंस बिहेवियर इन रेफरेंस टू एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसके साथ आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर ये नहीं होता कि नॉन कम्प्लाइंट बिहेवियर हंड्रेड परसेंट हो समाइम द चाइल्ड इज़ इन आर रियली गुड मूड और जब सिचुएशन बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती है उसकी मर्जी की होती है तो वो कम्पलायंस भी शो करता है और वो सारे काम करता है बट वैन द थिंग्स एंड वन द सिचुएशन इज स्लाइटली इरिटेबल टू हेमोह एट दैट टाइम ही स्टार्टेड टू शाउटिंग एंड शोइंग द फिजिकल एग्रेसन थैंक यू